सभी बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करें। जी हाथ जोड़े
संपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भविना वंदन नमन। मेरे अंधेरों को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर विराजे तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भविना वंदन नमः। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहन असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सु अवसर प्राप्त हो रहा है। सुनाना प्रारंभ किया है श्रीमद् उत्तराध्यान सूत्र 14वां अध्याय ईशु कार्य। जिंदगी में बहुत बार हमें कुछ घटनाएं जो देखने को मिलती है हम सोचते हैं ये घटना बाई चांस हो गई और बहुत बार उसके लिए हमने सोचा विचारा प्लान किया होता है उसका भी रिजल्ट आता है सामने और बहुत बार सोचा कुछ नहीं किया कुछ नहीं ऐसा परंतु फिर भी कुछ परिणाम ऐसे देखने में आते हैं व्यक्ति वहां पर अपनी बुद्धि से निरुत्तर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जो बातें बुद्धि गम्य है बुद्धि से ग्रहण योग्य है वहां पर बुद्धि को लगाओ। जहां पे वो बात तर्क से रीजनिंग से क्लियर हो सकती है वहां एक हद तक रीजनिंग भी करो परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो आज्ञा ग्राह्य जो श्रद्धा ग्राह्य क्योंकि आज ना तो वो बुद्धि का लेवल है ना तो उतना ज्ञान विकसित है और ना ही उन्हें समझाने के लिए वह उपमाएं वो उदाहरणें हमारे सामने प्रस्तुत है। तो जिन बातों का बोध बुद्धि से हो जाए वहां पे बुद्धि लगाएं जहाँ पे तर्क से काम बन जाए वहाँ तर्क लगाएं परंतु जहाँ पर समझ ना आए वहाँ ये नहीं उंगली उठानी कि भगवान के वचन मिथ्या है परंतु क्या श्रद्धा रखनी अभी मेरे में वह योग्यता पैदा नहीं हुई। जब योग्यता पैदा हो जाएगी तो मुझे भी वही अरिहंतों का ज्ञान भीतर से ही प्रकट होगा और जो देवता के लोगों की बातें हैं वे बातें सुनने में तो लगता है कि देवता होते होंगे परंतु इस धरती पे भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सादगी भी है विनम्रता भी है और सेवा का भाव भी है और उनके चेहरे पे चमक भी अलग है तो क्या कह देते हैं अरे तू तो किसी देवलोक से आया है परंतु देखा जाए भाव देव की श्रेणी अलग है। भाव देव पांच प्रकार के देवताओं में लास्ट वाले देव कौन से थे भाव देव। तो भाव अवस्था में जो वे छह जीव देवलोकों में विराजमान थे पद्म गुलम विमान में थे अब वहां से आयुष्य पूरा होने लगा क्योंकि वहां पर भी यदि किसी ऑफिस में ज्वाइनिंग होती है तो उस ऑफिस से रिटायरमेंट भी फिक्स ही होती है
इसी प्रकार यदि हम अपनी इस बॉडी को ज्वाइन करते हैं तो एक दिन हमें इसे त्यागना भी पड़ता है। देवताओं का शरीर भले वैक्रिय शरीर है, भिन्न भिन्न रूपों में वो बदल सकते हैं, परंतु विचारा जाए वह अवस्था भी तो, वे ऑफर भी तो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, जिसका नाम आयुष्य कर्म है। और भगवान आगे क्या फरमाए, देवा भवेतान पुरे भव देवता की पर्याय को छोड़ करके पूरा भवम में मीन्स पूर्व भव में पूर्व जन्म में वह देवता थे, परंतु कई चुया एक विमानवासी, उनमें से कई का मतलब है अभी दो, वह गवाल पुत्र जिन्होंने संयम लिया था वो अभी जीवित नहीं हुए, परंतु उनमें से जो चार जीव हैं, राजा इशुकार, रानी कमलावती और भृगु पुरोहित और यशा प्रहोता है, उनका च्यवन होता है। च्यवन मीन्स ऊपर से नीचे आना होता है। और वेदों की भी एक श्रुति है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम आविशन्ति, जब देवताओं का पुण्य क्षीण हो जाता है तब उन्हें भी कमाई करने के लिए कहाँ आना पड़ता है, मनुष्य लोग, और ऐसे स्थान पे उनका जन्म हुआ जो पुराने पूरे उस यारना में, पूरे कहा जाता है नगर को, जैसे बहुत सारे शहरों के पीछे पुर लगा होता है, नाम भी अभी भी ना दो, चाहे होशियारपुर है, उधमपुर है, पुर का मतलब नगर। और ध्यान देना, नगर किसको कहते हैं, नगर कहा जाता था ना कर इति नगर, जहाँ पर कोई कर कोई टैक्स नहीं लगता था उसको क्या कहते थे, परंतु आजकल तो GST भी आ गई, चुंगी वाले को भी देना है, और यदि बचा के लेके जाना है तो किसी को रिश्वत भी देनी है, परंतु जो वास्तव में नगर होते वहाँ पे कर अर्थात किसी प्रकार की टैक्स वाली बात नहीं, लगान वाली बात नहीं हो। पुराने उस यार नाम है, उस यार आपको पहले भी बताया था, इशुकार एक धारणा है, हिसार को भी इशुकार कहते हैं, और दूसरी धारणा है कश्मीर की और बारामूला से दक्षिण पूर्व की ओर जाएं तो विहट नदी के पूर्व की ओर अभी भी उसु यार नाम का एक नगर है, उसको भी हम मान सकते हैं, परंतु इतिहासकारों की अपने चिंतन है, और वह पुराने अर्थात बहुत पुराना नगर है, कोई नया अभी बना नहीं है परंतु बहुत पुराना। और कैसा है, खाए समिद्धे सुरलोकरम, खाए का मतलब है ख्यात, प्रसिद्ध, फेमस है, दूर दूर तक जिसकी ख्याति लोगों के जुबान पर है। और दूसरा पॉइंट है समृद्धि बहुत है, प्रॉस्पेरिटी बहुत है। प्रॉस्पेरिटी के देखा जाए तो मेजर कॉज रहते हैं वहाँ के लोग एजुकेटेड हो, नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तो वे लोग दूसरे के अधिकार को छीनना नहीं चाहेंगे। और दूसरा पॉइंट है वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, क्योंकि जब कभी प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वह नगर समृद्ध। और आगे चलें तो जिस नगर में भूमि फर्टाइल है, उपजाऊ है, और यदि फर्टिलिटी है तो वहाँ पर खेती होगी, और पुराने समय में खेती है तो समृद्धि मानी जाती थी।
और आगे बढ़े तो जो लोग अंधविश्वासों में बिलीव नहीं करते। समृद्धि का सबसे बड़ा मौलिक कारण है जो व्यक्ति सिर्फ रूढ़िबंधी बन जाता है फिर वह व्यक्ति समृद्ध नहीं हो सकता। परंतु ध्यान देना, कुछ बातें लॉजिकल होती है, उनके लॉजिक्स आज क्लियर नहीं होते, इसलिए हम उस परंपरा का तो निर्वाह करते हैं परंतु उस ओरिजिन तक नहीं पहुंच पाते। तो वह नगर बड़ा समृद्ध है। समृद्धि का एक और कारण है, वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी चलता होगा। जो चीज़ यहाँ बनती है वो दूसरी जगह नहीं वो भेज देते हैं, जो वहाँ नहीं वो बाहर से मंगवा लेते हैं। मीन्स किसी तरह की तंगी नहीं है, बड़ा समृद्ध इलाका है। और सुरलोक रम में, सुरलोक कहा जाता है स्वर्ग लोक को, स्वर्ग लोक के समान रमणीय। रमणीय का मतलब है जहाँ जाकर के हमारा मन रम जाए। रम जाए मीन्स हम उसमें ऐसे खो जाए फिर हमें किसी और अन्य वस्तु की याद भी ना आए। अर्थात इतना सुंदर इतना खूबसूरत, जैसे देवलोकों में देवता खोए रहते हैं और उस नगरी की सौंदर्य की छटा ऐसी कि वहाँ के लोग हमेशा अपनी प्राकृतिक सुंदरता को निहारते रहते। ध्यान देना, अच्छे स्थानों पे जन्म भी उन्हीं का होता है जिनके कर्म। कोई कह देता है महाराज जी हमारा चौथे आर्य में क्यों नहीं हमने संयम पाला, या हम महाविदय में क्यों नहीं पैदा हो गए। ध्यान देना, जिसकी जैसी प्रारब्ध है उसको वैसे योग मिलते, और उन्हें भी योग मिला, जन्म हो गया समृद्ध कुलो। और प्रश्न आता है ये जन्म होता क्यों है। जन्म होता है, हमारा भी हुआ, आपका भी हुआ, उनका भी हुआ, हुआ क्यों? भगवान ने रीजन दिया, सकम से शेणं पुरा कएण कुले सुदंगे सुयते पशुया निवेन्न संसार भया जहाया जीणिन्द जन्म लेने का पहला कारण है सकम से उनके अपने स्वकृत कर्म भोगने अभिशेष थे। हमारा जन्म क्यों होता है, क्योंकि हमने अपने कर्मों को, बोलो, जन्म क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपने कर्मों को भोगना है। अर्थात उनके देवलोकों में रह करके सभी कर्म क्षीण नहीं हुए थे। देवलोक एक ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ पे रहते हुए आप पुण्य भी बांध सकते हो, पाप भी बांध सकते हो, और कुछ आंशिक निर्जरा भी कर सकते हो, परंतु सर्व कर्मों का क्षय, क्योंकि सर्व कर्मों का क्षय तभी होता है जब तीन करण तीन योग से शुद्ध संवर और निर्जरा होती है। और उसके लिए सबसे उत्तम स्थान देखा जाए तो कौन सा है, देवलोकों में देवताओं के जीवन में पच्चखान नहीं आता। वे भावना भा सकते हैं, सेवा में आ सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, परंतु जा करके भी जीवन में पच्चखान नियम नहीं आता, जिसके कारण उनका जीवन अविरत रहता है। और अविरति के कारण उनको उसी प्लेटफॉर्म पे रहते हुए मोक्ष नहीं हुआ, और कर्म शेष है इसलिए जन्म हुआ। और ध्यान देना, कर्म थोड़ी सी हम क्लासिफिकेशन दें, तीन तरह के कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। पहला कौन सा, संचित कर्म। अब सपोज आपको अपनी दुकान चलानी है, आप चाहते हो मेरा बिजनेस बहुत बड़े,
तो आप क्या करोगे, आप सामान यदि आपके पास है तो आप एक स्टॉक हाउस बनाओगे, जहाँ पे आप गोडाउन में उसे शिफ्ट करोगे, रखो, और उसमें से कुछ निकाल करके आप अपनी दुकान के रिटेल काउंटर पे लगाओगे, और रिटेल काउंटर पे लगाया है तो इट मीन्स बिक रहा है, बिक रहा है तो आपको ध्यान आता है कि मुझे और ऑर्डर देना चाहिए, समझ आ रहा है? और ऑर्डर देना मीन्स प्रोसेसिंग में आपने और सामान मंगवा रखा है, एक आपका स्टॉक हाउस है, एक आपका रिटेल काउंटर है, और तीसरा आपका ऑर्डर है। तो ध्यान देना, यदि दुकान को फैलाने वाला व्यक्ति फैलाना चाहता है तो वह उसे स्टॉक हाउस भी अपना फुल रखना है, रिटेल काउंटर पे भी उसको सामान रखना है, और उसे नया ऑर्डर भी देते रहे। इसी प्रकार एक कर्म तो है संचित कर्म, जो सत्ता में तो है परंतु उदय में नहीं है, उदय मीन्स रिटेल काउंटर पे नहीं आया बिकने के लिए, पड़ा हुआ है परंतु अभी बिकने के लिए उदय में नहीं आया। और जो हम नया कर्म कर रहे हैं उसका मतलब है हम नया ऑर्डर दे रहे हैं, नया कर्म कर रहे हैं मीन्स हम नया ऑर्डर। अब ध्यान देना, यदि किसी को यह रियलाइज हो कि मुझे जम्मू शहर में अब बिजनेस नहीं करना, तो वह व्यक्ति क्या सोचेगा, मुझे अपना सारा बिजनेस बाइंड अप करना है। अब बाइंड अप करने के लिए उसे पहला स्टेप क्या करना होगा कि जो नया ऑर्डर दे रहा है उसको स्टॉप करना होगा, जो नया ऑर्डर दे रहा है उसे रोकना होगा, और जो उसके स्टॉक हाउस में पड़ा है उसको कंज्यूम करना होगा, निकालना होगा, और रिटेल पर लाते जा करके उसे जल्दी जल्दी ख़त्म, और जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर वह इजीली वहाँ से शिफ्ट हो सकता है। ये बात तो समझ आ गई। एक है जिसने बिजनेस बढ़ाना है और एक है जिसने उस बिजनेस को बाइंड अप करना। अब अपने संसार के बिजनेस को, जन्म और मरण को यदि बढ़ाना है तो नया कर्म भी करो, पुराने सत्ता में भी है, और नया आप जो रिटेल पे उदय आ रहा है उस पर्याय के प्रति, उस अवस्था के प्रति, उस निमित्त के प्रति राग द्वेष भी करो। परंतु यदि मुक्त होना है तो नया कर्म राग द्वेष से बांधना नहीं, जो उदय में रिटेल काउंटर पे आया है उसे समता से भोग लेना। तो धीरे धीरे या तो उदीरणा से झट से उस रखे हुए माल को रिटेल काउंटर पे ला करके बेच दो, और या जैसे जैसे स्वाभाविक उदय आता है, जैसे जैसे डिमांड आती है, जैसे जैसे कोई दुख तकलीफ आती है, उस समय शांत रहना। तो एक समय आएगा वो कर्मों का स्टॉक हाउस, परंतु अभी उनका कर्मों का स्टॉक हाउस खत्म, इसलिए उन्हें कहाँ आना पड़ा, मनुष्य जन्म। अब मनुष्य जन्म में वो आए, क्यों आए, क्योंकि स कम्म शेषेण पुराकरेण, जो पूर्व जन्मों में कर्म उन्होंने किए थे उन्हें भोगने के लिए, काटने के लिए उनका जन्म हुआ। दग्गेसु कुलेसु ते पशुया, उग्र कुलों में, उग्र कुल कहा जाता है जो लोग क्षत्रिय शौर्यवान होते हैं, जिन लोगों के मस्तिष्क में होश है और हाथों में जोश है, और जो दूसरे की रक्षा के लिए हमेशा आगे आते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे उग्र कुल में, परिवार में उनका प्रसव अर्थात जन्म हुआ। निविन्न संसार भया जहाया, परंतु जन्म तो हो गया परंतु अब मन में उनके निर्वेद भावना आ रही। कौन सी भावना? निर्वेद का सीधा सा सिनोनिम्स है वैराग्य। निर्वेद का मतलब, परंतु निर्वेद शब्द को यदि हम थोड़ा और विस्तार से समझे तो एक कर्म आता है वेद मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म? वेद मोहनीय का अर्थ है कि
कि व्यक्ति के मन में वासना पैदा होती है। क्या पैदा होती है? वासना। यदि स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनमें से कोई वेद आपका उदय में है तो स्त्री है तो पुरुष की चाहना, पुरुष है स्त्री की चाहना, नपुंसक है तो दोनों की चाहना। परंतु जब उन्होंने जाना कि दुनिया के काम भोग भोगते समय तो आनंददायी, परंतु एंड रिजल्ट इनका बहुत भयानक है, इसलिए उन्होंने उस दृष्टि को नहीं रखा कि इंस्टेंट मुझे क्या मिल रहा है। दूरगामी परिणाम को देख करके जो व्यक्ति क्रिया करता है समझदार वही होता है। और उन्होंने क्या देखा कि दूरगामी परिणाम इन भोगों का क्या है, इनका अंतिम परिणाम नरक और त्रियंच गति, संसार परिभ्रमण की वृद्धि। इसलिए उनका मन उस विकृति से अपनी स्वाभाविक प्रकृति में आने के लिए उद्धत होने लग पड़ा, क्योंकि वेद का एक अर्थ है विकृति। वेद का एक अर्थ क्या है? विकृति मीन्स विकार। दूध में आपने हल्का सा दही डाला तो क्या हो गया? दूध विकृत हो गया, उसकी पर्याय, उसकी अवस्था, उसकी स्टेट चेंज हो गई। इसी प्रकार यदि हमारा मन किसी भी ऐसे पौगोलिक पदार्थ को देख करके विकृत हो रहा है, इसका मतलब है हम अपनी प्रकृति में नहीं बल्कि विकृति में चले। और ध्यान देना, प्रकृति में कर्म का बंधन नहीं, विकृति में कर्म का बंधन। विकृति ही विभाव है और प्रकृति ही स्वभाव है। और उनके मन में आया कि मेरी अपनी सहज प्रकृति तो ज्ञाता और दृष्टा है, जो प्रमाद अवस्था में कर्म बांध रखे हैं उनके उदय होने पे मन प्रभावित तो होता है, परंतु नया कर्म बांधूंगा, नई रिएक्शन करूंगा तो नया कर्म और बंधता जाएगा, पुराना कर्म खुला और नया कर्म बांध ली। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये संसार की लड़ी कभी भी छूटने वाली। और उनके मन में आया कि अब हम वैरागी बनेंगे, दुनिया के प्रति अपने राग को, अपनी आसक्ति को कम करेंगे।